नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहां पर निकल कर आई है और आज UKEEE द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि 6 नवंबर 2020 को यह विज्ञापन UKEEE द्वारा इसकी वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें 854 पदों के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और ये 854 जो आपके पद हैं, ये ग्रेजुएशन स्तर के ये सारे पद हैं। अब ये कौन कौन से पद है दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो आपके प्रारंभ होंगे, ये कब से होंगे, तो 10 नवंबर 2020 से दोस्तों प्रारंभ होंगे। और ये ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी आपकी, ये होगी 24 दिसंबर 2020। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि होगी, ये होगी आपकी 26 दिसंबर 2020। और दोस्तों, लिखित परीक्षा अनुमानित समय दिया गया है आयोग की तरफ से कि मई 2021 तक आपकी इन विभागों के लिए जो परीक्षाएं होंगी वो संपन्न होंगी। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से विभाग हैं और कितने कितने पद इन विभागों में आपके लिए यहां पर जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ इनमें शैक्षिक अर्हता क्या है, तो इन सभी के बारे में ये डिटेल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यार, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पहली पोस्ट जो आपकी है, ये है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसमें जो आपके कुल पद हैं, ये है आपके 35। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी कितनी आपकी आरक्षित सीटें हैं। अब देखिए दोस्तों, लेवल 5 की ये पोस्ट है, जिसमें आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक ग्रेड पे रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अनिवार्य अर्हता क्या है इसमें, तो दोस्तों इसमें मोटा माटी तरीके से यही कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। ये पोस्ट है आपकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा पद जो आपका है, ये है आपका छात्रावास अधीक्षक। इसके कुल यहाँ पर 3 पद निकाले गए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेवल 5 की ये पोस्ट है, इसमें भी जो आपका वेतन है, ये 29,200 से लेकर 92,300 तक निर्धारित किया गया है। इसमें भी शैक्षिक अर्हता क्या है, तो शैक्षिक अर्हता यही है दोस्तों, इसमें भी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा पद जो आपका है, ये है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके अंतर्गत जो पदों की संख्या है दोस्तों, ये केवल 1 पद की संख्या है, और ये लेवल 6 की पोस्ट है आपकी, जिसमें वेतन आपका 35,400 से लेकर 112,400 तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर शैक्षिक अर्हता जानना इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष को ही अर्हता। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन तो चाहिए, इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, तो इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेसर प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 2 शैक्षिक अर्हता आपको इसमें चाहिए। अगर आपके पास ये शैक्षिक अर्हता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चौथा जो आपका पद है, ये है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसमें कुल पदों की संख्या आपकी 2। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि इसमें भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन की गति, इसके अलावा विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का तकनीकी ज्ञान का परीक्षण लिखित परीक्षा के बाद आपका इसमें होगा, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये शैक्षिक अर्हता आपको सहायक समीक्षा अधिकारी में चाहिए, जिसमें आपकी केवल 2 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका 5वां पद है, ये है आपका सहायक चकबंदी अधिकारी। इसमें जो पदों की संख्या आपकी, ये 4 पदों की संख्या है, और ये भी लेवल 6 की आपकी पोस्ट है। इसमें भी वेतन आपका 35,400 से लेकर 112,400 तक निर्धारित रहता है। इसमें शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, तो शैक्षिक अर्हता यही है दोस्तों कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तब चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया, आप साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, पदनाम जो आपका 6 है, यह है आपका समीक्षक का पद, जिसमें आपका केवल 1 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। और जो अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता जो आपकी है, तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जिस समय 12th किया होगा, उस समय आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और जिस समय ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें हिंदी होना चाहिए अनिवार्य रूप से, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, केवल आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए ये पोस्ट यहाँ पर है समीक्षक की, जिसमें केवल 1 पद है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो 7वां पद है आपका, ये है आपका संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें जो पदों की संख्या आपकी 9 है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इसमें भी शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, तो शैक्षिक अर्हता यही है दोस्तों कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। तो ये भी दोस्तों आपकी मान सकते हो कि इंटरमीडिएट में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और ग्रेजुएशन स्तर पर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें भी। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है यह आपकी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि VPDO। दोस्तों इसमें जो पदों की संख्या है ये है आपकी 292। तो दोस्तों बहुत से साथी वीडियो और VPDO का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये अपडेट है। अब दोस्तों इसके लिए आपको शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। शैक्षिक अर्हता यही चाहिए कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। तो यहाँ पर CCC आपको चाहिए ही चाहिए। किस में चाहिए? VPDO में। जब भी आप VPDO का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका CCC अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है यह है आपकी सुपरवाइजर, और ये जो सुपरवाइजर का पद है दोस्तों ये केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। केवल महिलाएं इस पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकती हैं। इसमें जो पदों की संख्या है ये कुल 34 है। अब दोस्तों इसमें शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए? तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हों, जो भी रखती हों, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो 8 साइड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 8 साइड में आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, या तो आप समाजशास्त्र से या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज। इसमें जो पदों की संख्या है दोस्तों ये है आपकी केवल 16। तो दोस्तों इसमें भी हम शैक्षिक अर्हता फटाफट से जान लेते हैं। इसमें भी दोस्तों शैक्षिक अर्हता यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की उपाधि धारण की है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी है ये है सहायक स्वागती की, जिसमें आपके कुल पदों की संख्या है 6। इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता क्या है तो इसको भी फटाफट से जान लेते हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Level 2 की आपकी ये पोस्ट है सहायक स्वागती। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी 12वीं पोस्ट है यह है आपका सहायक प्रबंधन उद्योग। इसमें जो आपकी पदों की संख्या है यह है 70। अब दोस्तों इसमें भी हम शैक्षिक अर्हता फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों Level 6 की ये पोस्ट है, इसमें भी शैक्षिक अर्हता आपकी क्या चाहिए? तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक विधा में स्नातक उपाधि अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्राम विकास अधिकारी। इसमें जो आपकी पदों की संख्या है दोस्तों ये है आपकी 381। अब दोस्तों वीडियो में अब आपकी शैक्षिक अर्हता क्या मांगी हुई है और ये 381 पद के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो शैक्षिक अर्हता मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें भी शैक्षिक अर्हता आपकी क्या है? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि अगर आप धारण करते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Level 4 की आपकी ये पोस्ट है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि वीडियो के लिए आपका CCC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन VPDO के लिए आपका CCC सर्टिफिकेट चाहिए। अब सभी के लिए खुल गया है। पहले वीडियो किसके लिए था? वीडियो केवल साइंस स्ट्रीम वालों के लिए था और कॉमर्स वालों के लिए था, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए नहीं था। तो वीडियो अब सभी के लिए खुल गया है और VPDO भी सभी के लिए खुल गया है, लेकिन इसमें आपका CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और दोस्तों बम्पर वैकेंसी है, 854 पद आपके लिए यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें VPDO के 292 हैं और 381 पद हैं आपके VPDO के। अब जल्दी से आप इन फॉर्म को भरना स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि 10 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर होना प्रारंभ हो जाएगा। और कब इसकी लास्ट डेट है? 24 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और मई 2021 में दोस्तों इसका पेपर होगा ही होगा क्योंकि आगे आपका चुनाव है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी हो यार, लेकिन आपने प्रिपरेशन अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आगे भी उत्तराखंड से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी और रोजगार संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यानी कि डेडिकेशन हब के साथ। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें।